अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसा है? ठीक ठाक जी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अमीर साहब, ये बताएं कि आपका नाम? मेरा नाम है नवाज मोहम्मद। और कहाँ से हैं आप? हम पेशावर से। अच्छा जी, कौन से इलाके से? मैं तो खैबर एजेंसी बाड़ा से। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि ये काम जो है नया, अगर आदमी सीखना चाहे तो कितने महीने लग जाते हैं उसको? तकरीबन भाई ये महीना लग जाता है। अच्छा जी, महीना लग जाता है उसको। तो ये बताएं जी, इसमें तकरीबन महीने की कितनी सैलरी बन जाती है, आमदन जो है? आमदन तकरीबन है मेरा तनख्वाह 400 दिनार है। अच्छा जी, तो उसमें कितना घंटा काम रहता है? उसमें जो है ना भाई, ये घंटे का हिसाब नहीं है, ये तो ट्रिप का हिसाब। तनख्वाह में जो है ना 5 ट्रिप होता है जी, तो वही बस हम लोग जो अपना ड्यूटी है ना, बस वो 5 ट्रिप है मेरा, तो तकरीबन आता है 12 घंटा ड्यूटी आता है। ठीक है जी। हाँ जी, तो माशाल्लाह 400 सैलरी तो बहुत मकबूल सैलरी है अल्लाह के फजल से। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आती काम में किसी की? काम यानी काम में थोड़ा है मुश्किल है। हाँ जी, जरा देख के करना पड़ता है ना ये थोड़ा? ये रात को तकरीबन 2 बजे उठना पड़ता है रात को। अच्छा जी भाई, ये मुश्किल है थोड़ा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, और इसमें छुट्टी का क्या रहता है जी, जब 2 साल बाद या साल बाद? आपका मर्जी है बस, तकरीबन भाई 8 महीने बाद जाता है या साल जाता है, 2 साल बाद जाता है, वो तुम्हारा मर्जी। अच्छा, 8 माह के बाद कंपनी छुट्टी दे देता है? 8-9 माह के बाद? हाँ जी, बस 8-10 माह के बाद इजाज़त देता है। अच्छा, 8-10 माह के बाद इजाज़त मिल जाती है आपको इंशाल्लाह? तो कितने दिन की वो छुट्टी मिलती है जी? तकरीबन है यानी तो आधा छुट्टी भी मिल जाए तकरीबन, तो 4 महीने 5 महीने 3 महीने ऐसा देता है। अच्छा जी। हाँ, तो ये आपकी कंपनी है या प्राइवेट लोगों का काम है? नहीं भाई, ये कंपनी है। कंपनी है, फिर भी बहुत बड़ी बात है जी, अगर 2-3 माह छुट्टी देते। लेकिन आम तौर पे तो 45 दिन का देता है या 2 माह का ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी देता है? नहीं भाई, ये काम थोड़ा वजनी काम है ना, तो भाई ये लोगों को थोड़ा खुश रखता है। अच्छा, हाँ, कंपनी भी थोड़ा कहती है कि हार्ड काम है, तो इसमें छुट्टी का भी आपको इतना प्रॉब्लम नहीं रहता? वही ना, नहीं तो नॉर्मल तो 45 डेज का देते हैं एक साल के बाद। नहीं नहीं, बस इसका जो है ना भाई, ये सही है, ये तरीका सही है छुट्टी का। अच्छा, तो अमीर साहब, उसको उसमें सैलरी भी रहता है यानी कि छुट्टी के वक्त? नहीं, वो नहीं है, वो सर्विस नहीं है। अच्छा, नहीं टिकट के लिए पैसा देते हैं या कुछ और? नहीं, वो टिकट का नहीं देते, कुछ नहीं देते। हाँ जी, और 1 महीने की तनख्वाह जो है, जो छुट्टी बनती है आपकी, वो देता है? वो देता है। अच्छा, जो छुट्टी का पैसा बनता है वो कितना देते हैं यानी के? 1.5 माह का देते हैं सैलरी या 1 माह का देते हैं? बस 1 माह का, 1 महीने का सैलरी भी साथ मिलता है छुट्टी के वक्त। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, जजाकल्ला खैर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको बरकत दे। हाँ जी, मैं अभी थोड़ा सा आपका वीडियो भी बनाऊंगा ये काम करते वक्त। चलो कोई बात नहीं, बस आराम से थोड़ा ख्याल रखना। हाँ जी, अल्लाह अल्लाह। ये नया घर बन रहा है और इसमें ये ब्लॉक जो है ये अनलोड कर रहे हैं। ताबूत बोलते हैं अरेबिक ज़ुबान में, तो इसको ब्लॉक भी बोला जाता है। ये बता रहे थे कि 400 KD तक इनकी सैलरी बनती है। काम थोड़ा हार्ड है, थोड़ा देख कर, क्योंकि अनलोड करना होता है कभी हाइट पर, कभी ये बेसमेंट बन रहा है तो बेसमेंट में ब्लॉक नीचे रख रहे हैं। और सैलरी पैकेज भी अच्छा है, जब जाते हैं छुट्टी तो 1 माह की सैलरी मिलती है 400 के करीब करीब तकरीबन, और 2-3 माह भी आप रह सकते हैं घर पर 1 साल के बाद, तकरीबन 10 महीने के बाद।
बहुत सारे दोस्त अहबाब पूछते हैं भाई ये कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आपको आप किस कंपनी में आ रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अच्छी सैलरी वाली भी कंपनी है और काफ़ी लो सैलरी वाली भी कंपनी है। कुवैत में हर तरह की सैलरी है, लो सैलरी भी है और हाई सैलरी भी है। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? मैं इस वक्त मुतला में हूँ। मुतला जो एरिया है ये नया कंस्ट्रक्शन का एरिया है और यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारे हज़ारों के हिसाब से घर बन रहे हैं। अच्छा जी, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।